हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। 1.5 किलो गाजर ले लिए, तो लिए और छील लिए मैंने, और 25-30 बादाम है, 25-30 ही काजू हैं। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो डाल सकते हो। और 1 कटोरी भर के चीनी डालेंगे, जो बड़ी वाली होती है। 1 किलो दूध ले लिया मैंने फुल क्रीम। पहले इसे उबालना रखेंगे गैस जला के। हलवे के लिए मैंने 200 ग्राम खोया ले लिया है, ये भी हम हलवे में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम दूध उबलना रखते हैं। और जब हमारा ये हलवा बनने लग जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल के भूनेंगे। पहले हम इसे पकाएंगे दूध में। गाजर को कस लेते हैं। गाजर को जो सबसे मोटी वाली साइड है उससे कसेंगे। गाजर सारी हमने कस ली है और इधर दूध को उबाला आ गया है। ये सारी गाजरें इसमें डाल लेते हैं। चीनी हम इसमें जब ये थोड़ा सूखने लग जाएगा तब डालेंगे। अभी हम पहले इसे दूध में ही पकाएंगे, सुखाएंगे, मतलब इसे पूरा दूध इसमें। इसे हम हाई गैस पे ही पकाएंगे, जब तक दूध सूखता है जब तक पकाएंगे। पूरा सुखाना है हमें ये दूध। उसके बाद हम चीनी डालेंगे, खोया डालेंगे इसमें। ये हलवा आप दो तरह से बना सकते हो। अगर आप खोए से बनाना चाहते हो तो दूध के बिना इसे चीनी डाल के पकाना शुरू कर लो। जब ये एकदम सूख जाए उसके बाद खोया डालो। और एक ऐसे बना सकते हैं आप, पहले घी डाल के इसका पूरा गाजर का रस निचोड़ के उसको घी में भूनो और चीनी डाल के पका सकते हैं, या खाली दूध में पका सकते हैं। इसे अलग अलग तरह से बनाते हैं सब लोग। इसे आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बनाएं। ड्राई फ्रूट को हम मोटा मोटा काट लेंगे, या आप इसे पीस के भी डाल सकते हो। और ये जो खोया है इसे भी मैं बारीक मसल लूँगी या कद्दूकस कर लेंगे। चीनी आप इसमें 200 ग्राम डाल सकते हैं, 1.5 किलो गाजर में। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। और बीच बीच में इसे हिलाते भी रहेंगे ताकि ये हलवा नीचे ना लगे तेज गैस पे हमारा, क्योंकि हमें दूध को सुखाना है अच्छी तरह। उबलना शुरू हो गया है ये दोस्तों। इसे भूनते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है और सारा दूध सूख गया है इसका। अभी थोड़ा बहुत है ये गीलापन इसमें। पहले मैं चीनी डाल लेती हूँ इसमें। 5 मिनट हम इसे चीनी के साथ भूनेंगे पहले। अभी चीनी भी थोड़ा रसा छोड़ देगी अपना। उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच घी डाल के फिर से भूनेंगे। चीनी का पानी भी इसमें सूख गया है। अब मैं इसमें घी डाल लेती हूँ हलवे को भूनने के लिए। इससे थोड़ी चमक आएगी हलवे में। ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो दूध और खोए का तो घी हो ही जाता है। बस इसे थोड़ी देर हमें भूनना है घी के साथ। ड्राई फ्रूट को आप घी में तल के या रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। मैं अभी डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट को, थोड़ा नरम भी हो जाएगा ये। इलायची का पाउडर डाल सकते हैं खुशबू के लिए, छोटी इलायची का। वह हमारा बन के तैयार हो गया। अब ये कढ़ाई से छूटने लग गया है, अच्छे से भून दिया है मैंने। अब इसमें मैं आधा खोया डालूंगी, 200 ग्राम खोया था, आधा डाल लेंगे। इसे भी थोड़ा भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना, नहीं तो ये भी अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा। ये वाला मैंने खोया भून लिया है, इसमें आधा डाला था। ये वाला भी डाल लेते हैं और गैस को बंद कर लेते हैं। हलवा हमारा तैयार हो गया गाजर का। इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं अब हम।